छोटे बालक होते हैं ना, जिनको कोई नजर लग जाती है डाकनी शाकनी की, जिनसे वो बालक भयभीत होता है, डरता है, रोता है, भागता है, तो माताओं क्या करती है, उस बालक के राम रक्षा का ताबीत बना करके बांध देती है, तो फिर उस बालक पर डाकने का बल नहीं चलता। ऐसे भाई बहनों, प्रभु की माया एक डाकनी है, सब संसार को खा रही है महाराज, पर संत जो है ना, इनके ऊपर डाकने का बल नहीं चलता महाराज। क्यों नहीं चलता है? संतों ने एक ताबीत बना करके रखा है, बांध रखा है महाराज। माया हवु समान है बाल स्वरूपी संत, तत्नाम ताबीते जिनसे नहीं डर पंत, तत्नाम ताबीते तिनते नहीं डर पंत। बोलो राम जी महाराज की। माया हउ समान है, माया हउ डाकन के समान है, और संत जो है ना, बाल स्वरूपी संत, संत बालक के समान, पर जिस बालक के ताबीत बांध दिया, राम रक्षा बांध दी है, फिर उन पर डाकने का बल नहीं चलता महाराज। तो संतों ने ताबीत बना करके रखा है, बांध रखा है, कौन सा ताबीत? तत्नाम ताबीत है जिनसे नहीं डर पंत। गुरुदेव ने तत्नाम, राम जो नाम दिया है, उनका ताबीत बांध रखा महाराज, उन पर माया डाकने का बल नहीं चलता है। जिनके जीवन में नाम का आसरा, नाम का सुमिरन है, वो माया से परे हो गए महाराज, माया को फैल गया है, माया के घेरा के अंदर रहता, उनको ये माया परेशान करती है, गिल जाती है, इनको लांग करके बाहर चला गया, फिर जो कहते हैं वो जीव अमर हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इनका बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है, माया कैसी है महाराज, माया सपने के जैसी, जैसे सपनी दिया है कुंडाला, कोई एक बच्चा दे गया टाड़ा, जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बच्चा दे गया टाड़ा। फिर सदगुरु जी महाराज की। सपने का प्रसंग दिया, सपने जब गर्भ देती है, 108 बच्चा देती है, अपना शरीर का घेरा लगा करके अंदर में वो गर्भ छोड़ना शुरू करती है, जब पूर्ण गर्भ हो जाता है, 108 बच्चा वो दे देती है, तो फिर बाद वो क्या करती, उन्हीं बच्चों को वापस गिलना शुरू कर दी, चाटना शुरू करती महाराज। तो सदगुरु कबीर साहब कहते माया ऐसी है, पर है उन घेरा के अंदर जो बच्चा रहता है उनको सब गिल जाती है। कहे कबीर कुंडाला माई, जिनको सपनी दर दर खाई, के कबीर कुंडाला माई, जिनको सपनी दर दर खाई, जिनको सपनी दर दर खाई। बोलो राम जी महाराज। कहें कबीर कुंडाला माई, माया के कुंडाला के अंदर रहेगा तो ये सपनी माया सब चाट जाएगी महाराज, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर जीव को भटकना होगा।
कहे कबीर कुंडाला माही, जिनको सपनी धर धर खाई उनको सपनी सबको वापस खा जाती है, पर कोई बच्चा उस कुंडाला को लांघ करके बाहर हो जावे वो फिर बच जाता है। कहे कबीर कुंडाला पेले निर्वे हो ये जगत में खेले। कहे कबीर कुंडाला पेले निर्वे हो ये जगत में खेले। निर्वे ये जगत में खेले। बोलो राम जी महाराज। कहे कबीर कुंडाला पेले, जब सपनी का वो कहते हैं शरीर का कुंडाला घेरा को पेल के बाहर निकल जब वो बच्चा बस जाता है वो सर्प बनता है, तो सदगुरु कबीर साहब का कहना है ये माया ही सपनी सब जीव कुंडाला में घेर रखा है। भाई बहनों, नवदा भक्ति जो हम कर रहे हैं वो सब सपने के कुंडाला कदर माना गया है। तीन लोक की भक्ति है ये, महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत में बताया है। तीन लोग लग माया की जी और सगत लग भाई, वहां लग ज्ञान कते सब काचा मत भरमो जगवाई। बांदा आयो मोसर मती हारो, बांदा आयो मोसर मती हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे सो सदगुरु सिर धारो। जा संग हंस अगम घर पहुंचे सो सदगुरु सिर धारो, सो सदगुरु सिर धारो। श्री सदगुरु जी महाराज की, जिन सदगुरु की शरण से दसवीं जो भक्ति पा करके रंकार की भक्ति सुमिरण करके सतलोक की प्राप्ति करता है वही माया चक्र से कुंडाला से पार होता है महाराज, वो फिर निर्वय होता है, वो काल चक्र में नहीं आता। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं सुखदेव जी महाराज, भगवान ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं महाराज वचन दो वरदान दो आपकी माया हमारे ऊपर आक्रमण न करे। वचन दिया, जन्म ले आओ हमारी माया तुमको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे तत्नाम का ताबीत बंधा हुआ है, माया ढकने नहीं खाएगी भाई। आ जाओ बाहर। सुखदेव जी महाराज गर्भ का त्याग करके जन्म ले आते हैं, जन्मते ही जंगल की ओर रवाना होते महाराज। सुखदेव जी परम बैरागी है, परम बैरागी के अंश है महाराज, तो बैरागी होना ही है। भगवान शिव जी परम बैरागी है, उनका ही अवतार उनका ही अंश अवतार है महाराज। शिष्य जो सदगुरु का अंश अवतार माना जाता है, पुत्र पिता का अवतार माना जाता है। इन सिद्धांत से सुखदेव जी भगवान शिव जी का अवतार है, जन्म लेकर के वन की ओर रवाने हुए, वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे रवाने हुए, रो रहे हैं रुदन करे बेटा कहां जा रहे हो, हमको छोड़कर के कहां जा रहे हो। सुखदेव जी एकांत वन में जाकर के अपने ध्यान मुद्रा में बैठे, वेद व्यास जी महाराज वहां पीछे पहुंच गए, रुदन करने लगे रोने लगे, बेटा तुम हमको छोड़कर के यहां आ गए, हमारी कौन व्यवस्था करेगा, हमारी कौन सेवा व्यवस्था करेगा बेटा। सुखदेव जी वेदव्यास जी को प्रमोद करते उपदेश करते, बाप गर्भ में जिन्होंने व्यवस्था की है वो आज भी करने वाला है,
नहीं तो पिता पुत्र की व्यवस्था करता, नहीं पुत्र पिता की करता। सबकी व्यवस्था हमारा मालिक करता, परमात्मा करता है। भाई बहनों, मोह की बाढ़ ऐसी होती है। वेदव्यास जी महाराज 24 अवतार में अवतार है, परंतु पुत्र के मोह के अंदर घिसीटते हुए पीछे जा रहे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के साधना में कुछ बाधा होने लगी, थोड़ा सा रोष दिखाया, कौन हो तुम, क्यों हमारा पीछा किया हो? बोले कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे हो। सुखदेव जी महाराज वेदव्यास को यहां प्रमोद करते, उपदेश करते हैं, कई दफे पुत्र भया तुम मेरा, अब के पुत्र भया में तेरा। कई दफे पुत्र भया तुम मेरा, अब के पुत्र भया में तेरा। अब के पुत्र भया में तेरा। बोलो राम जी महाराज की। तुम हमारे बहुत बार पुत्र बन चुके हो, मैं तो आपका अब की ही पुत्र बना, फिर इतना पीछा कर लिया। भाई बहनों, जगत का ऐसा ढंग है, कई दफे पूत पिता बने आयो, कई दफे पुत्र पिता अपना, अपनी करनी से पारे उतरना, भजन बनायो कसाई सजना। जगत का ऐसा ढंग है महाराज, संस्कार को लेकर के, वो ममता को लेकर के, कभी पिता पुत्र बनाता है, कभी पुत्र पिता बन जाता है, आओ कभी माँ स्त्री बन जाती महाराज, कभी स्त्री माँ बन जाती है। दादू दयाल जी महाराज के बारे में प्रसिद्ध प्रसंग आता है। दादू दयाल जी महाराज अपने मंडली सहित एक रास्ते रास्ते यात्रा करते हुए जा रहे हैं। रास्ता के किनारे एक कोई ग्रस्त का घर था, घर के दरवाजे पर एक बहन छोटे बालक को गोद में ले बैठी है, उनसे वो लाड प्यार कर रही है। दादू दयाल जी महाराज ने उस बहन और बालक को देख करके मुस्कराए। साथ में कोई संत साधक, उन्होंने देखा गुरुदेव इस बहन बालक को देख करके मुस्करा रहे, हंस रहे, तो यहां कोई कारण, यहां कोई रहस्य है। हंसने का कारण पूछ लिया। दादू दयाल जी महाराज कहते, भाई क्या बताए, परमात्मा की माया का कैसा प्रभाव है, कैसा जाल है महाराज, क्या है महाराज, खुलासा करो। दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, ये बहन इस बालक को गोद में ले बैठी है ना, ये बालक इस बहन का 2 साल के पहला पति था। 2 साल पहला पति, पुत्र कैसे हो गया? बोले 2 साल के पहला इनका पति था, पति गुजर गया, आपस में मोह ममता थी, आसक्ति थी, राग थी, वासना थी, वो पति मर गया तो फिर उन्होंने एक दूसरा पति स्वीकार किया, जिन मारवाड़ी में नातों किया करे, उन्होंने ये दूसरा पति स्वीकार किया, तो कहते वही पति वासना ममता को लेकर के पुत्र रूप में जन्म ले आया है। दादू दयाल जी महाराज ने ये प्रसंग बाणी में लिखा है, नारी पलट माता भई, नर नारी का पूत, दादुई चरज देखिया छोड़ चला यबदूत, दादुई चरज देखिया छोड़ चला यबदूत। बोलो राम जी महाराज,
नारी पलट माता भई नर नारी का पूत। स्त्री जो मां का रूप ले लिया, पति पुत्र बनाए, दादू इशरत ने किया छोड़ चला अवधूत। जगत का ऐसा इशरत, ऐसा ढंग दे करके महात्मा लोग अवधूत जगत से पीड़ दे करके भगवान की ओर मुड़े। जगत का ऐसा ढंग, ऐसा जाल है महाराज। भाई बहनों, भजन करो, साधन करो, सुमिरन करो, तभी जाल से मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भजन का ऐसा प्रभाव, नाम का ऐसा प्रभाव है, सुआ का अंडा सीढ़ा हुआ जड़ था, नाम के प्रभाव से चेतन भया, वही सुखदेव जी बने। तो यहां बताया हमारे महापुरुषों ने, राम नाम से अनते उदरिया, अनंत कोट का कारज सरिया। राम नाम से अनते उदरिया, अनंत कोट का कारज सरिया, अनंत कोट का कारज सरिया। बोलो राम जी महाराज। अनंत ही पापी पतित राम जो नाम के प्रभाव से तैर गए, अपना उद्धार कल्याण कर गए, अनंत कोट का कारज सरिया। भजन करो भाई बहनों, सुमिरन करो, साधना करो। राम बोलना ये परमात्मा की ओर कदम भरना है महाराज। जो हम राम बोलते हैं ये परमात्मा की तरफ हमारा कदम भरना है। बीस कोस की हम यात्रा करते हैं, एक एक कदम से बीस कोस की यात्रा कर लेते हैं। ऐसे भाई बहनों, राम बोलना भगवान की ओर कदम भरना है, भगवान की ओर यात्रा करना है। ऐसी निष्ठा रखो, सुमिरन करो, भजन करो, कुछ समय लो। जीवन दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है, महापुरुषों का उपदेश दुर्लभ है। सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तब लाभ होगा महाराज। कहता सुनता दिन गया, कछु आत नहीं आवा, दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसतावा। दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसतावा। बोलो राम जी महाराज। कहता सुनता दिन गया, समय बीत जाएगी, अंत में पछताताप होगा। इसलिए भाई बहनों, भजन करो, उस समय निकालो। जिसलिए जीवन मिला उसलिए हमारे पास समय नहीं है। रात दिन दौड़ धूप करते हो, उनका अंत में कोई अर्थ नहीं होगा महाराज। भजन करो, साधना करो, सुमिरन करो। महात्मा लोगों का, गुरु लोगों का अपने को उपदेश मिला है, उनकी दीक्षा मिली है, भजन की विधि मिली, फिर हम लाभ से वंचित रह जाएंगे तो पिस्ताताप होगा। खाली उपदेश लेने से उद्धार नहीं होगा, केवल वेद से औषधि लेने से रोग से नहीं छूटेंगे, औषधि का हम सेवन करेंगे तभी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। सुमिरन करो, भजन करो भाई बहन। अग्याले आले धरी रामन सुमरियो वीर, किशन दास कैसे टले जम जालम का तीर, किशन दास कैसे टले जम जालम का तीर। भजन करो,
सुमिरन करो, यहां से जाकर के सोओ मत, कुछ बैठो आसन पर, सुमिरन भजन करो, जो सत्संग में सुना है उनका मनन करो, तब लाभ होगा महाराज, तब लाभ होगा। उपदेश का लेने का अर्थ यही है, सुमन साधन करना तभी उदार होगा। अग्याले आले धरी रामन सुमरियो भी, किशन दास कैसे टले जम जालम का तीर। भाई बहनों, गुरु लोगों का काम इतना ही है, साधना बता देना, रास्ता बता देना। साधना साधु को करना होगा, अपने को करना होगा। परदेसी परभोम बूझ अपने घर आवे, चले अपने पाव दिन सपंत बतावे, चले अपने पाव दिन सपंत बतावे। पर भूमि में कभी हम यात्रा में चले जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, रास्ता का अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं, तो किसी सज्जन से पूछना होता है, पूछने पर वो सज्जन रास्ता बता देता है, उनका काम पूरा हुआ, यात्रा हम करेंगे तब मंजिल मिलेगी। भाई बहनों, गुरु लोगों का काम इतना ही, साधना की विधि बता देना, करेंगे आप हम तब होगा साधन। परदेसी परभोम बूझी अपने घर आवे, चले अपने पाव दिन सुपंत बतावे। धन्य हो उनको सीधा रास्ता बता देवे, पर यात्रा तो यात्री करेगा तब मंजिल मिलेगी। भाई बहनों, इसलिए सुमिरन करो, साधन करो, तभी वो मंजिल मिलेगी। कहने से सुनने से कुछ लाभ नहीं है, कुछ करेंगे तब लाभ होगा। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं, रामे नामे जो जने लीना, जिन जिन बासे ब्रह्म बिच कीना। रामे नामे जो जने लीना, तीन तीन बासे ब्रह्म बिच कीना। बोलो राम जी महाराज। जिन्होंने इस राम नाम का सुमिरन किया, जाप किया, साधना की है, कोई परमात्मा के धाम को पाया है, मंजिल पाई है। जो हरि सेती लावे प्रीता, राम नाम ता ही को मिंता। जो हरि सेती लावे प्रीता, राम नाम ता ही को मिंता। राम नाम ता ही को मिंता। फिर सदगुरु जी महाराज, जिन जिन्होंने परमात्मा के नाम से स्नेह किया, प्रेम किया, प्रीति की है, उनका परमात्मा बन गया है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, रामदास एक राम ही ध्याया, परम ज्योति में जाए समाया। रामदास एक राम ही ध्याया, परम ज्योति में जाए समाया। श्री सदगुरु जी महाराज, जिन जिन महापुरुषों ने राम नाम का सुमिरन किया, साधना की है, वही नामी से मिले, वही मंजिल पाई है महाराज। इसलिए मौका है, अवसर है, नाम का सुमिरन करो, साधन करो।
राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रटे रटे राम रस पीजे। राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। जयो राम नाम राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम मेरे हीरे दे समाया। राम नाम मेरे हीरे, राम नाम बजरे भाई, राम नाम पट तर तुले नकाई। राम नाम अति नीका, राम नाम सब साधन काहे टीका। जयो राम नाम अति मोये भावे, राम नाम निसे दिन सुंदर गा। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई।